बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाए कायनात अली अल मुर्तजा अलैह सलाम फरमाते हैं कि इंसान जिंदगी में मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। आप फरमाते हैं कि किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करना हो तो सिर्फ जुबान से करो, दिल से नहीं। आप फरमाते हैं कि हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती हैं। आप फरमाते हैं कि खामोशी एक अजीम नेमत है, खास तौर पर जब इख्तलाफात ज्यादा हों, आवाजें बुलंद हों, इलम की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। आप फरमाते हैं कि अदब यह है कि जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जिससे भी मुलाकात करो उसको अपने से बेहतर जानो। आप फरमाते हैं कि मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। आप फरमाते हैं कि तमाम इंसानों की परेशानियां दो बातों की वजह से होती हैं, तकदीर से ज्यादा चाहना और वक्त से पहले चाहना। आप फरमाते हैं कि शक को अपने ऊपर गालब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिलेगा। आप फरमाते हैं कि हर बात पर हां में हां मिलाना मुनाफिकों की आदत है। आप फरमाते हैं जानवर और इंसान में क्या फर्क है, जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर है, जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक, बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। आप फरमाते हैं कि किसी के खलूस और प्यार को उसकी बेवकूफी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। आप फरमाते हैं कि अपने दिन का आगाज सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी, और अच्छी बात बताना भी सदका है। आप फरमाते हैं जिसे तकदीर पर यकीन होता है वह अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से घबराता नहीं। आप फरमाते हैं कि कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फरमाते हैं कि मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान मत लो, क्योंकि मुश्किल वक्त चार दिन का है और एहसान जिंदगी भर का होता है। आप फरमाते हैं कि अपना सर ऊंचा रखो, कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। आप फरमाते हैं कि अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। आप फरमाते हैं कि वो इंसान हमेशा गम में मुब्तला रहता है जो अपनी जरूरतें बढ़ा लेता है। दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।